जनजन की आवाज जीएन भारत एक बार फिर से ईडी कार्यालय के बाहर खड़ा है आपको ईडी का तमाम अपडेट देने के लिए। आपको बताते चले कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूजा सिंघल की पेशी हुई लेकिन फिर से उन्हें राहत नहीं मिल पाया है। जी हां, अब 12 जुलाई को अगली सुनवाई होगी ईडी की विशेष अदालत जिसके न्यायाधीश है प्रभात कुमार, उन्होंने उनकी अदालत में सुनवाई हुई लेकिन ईडी ने कहा है कि उन्हें और वक्त चाहिए, दोबारा वक्त चाहिए अपना जवाब दाखिल करने के लिए, जिसके लिए 12 जुलाई को फिर से सुनवाई का डेट निर्धारित किया गया है। आपको बताते चले पूजा सिंघल आईएएस निलंबित पूजा सिंघल बहुत छटपटा रही है बेल के लिए। जी हाँ, उन्हें बेल के लिए बहुत तड़प है। जेल सूत्रों के हवाले से जो खबरें निकल कर सामने आ रही है वो यह है कि वो कभी अकेले में बैठकर बहुत रोती है, गुमसुम रहती है। जैसे हमने आपको जीएन भारत में बताया था एक्सक्लूसिव खबर कि वो भगवद गीता पढ़ रही है, इसके अलावा कई बड़े बड़े संत महात्माओं के बायोग्राफी भी पढ़ रही है। इससे उनके मानसिक स्थिति में थोड़ा बदलाव आया है, उनका बीपी कंट्रोल रह रहा है, पल्स रेट भी ठीक रह रहा है, मतलब वो नॉर्मल से जेल में रह रही है। कहीं ना कहीं जेल का एनवायरनमेंट उनको थोड़ा सा सूट कर रहा है, अपने आप को संभाल रही, सच्चाई को वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करी कि हाँ मैं जेल में हूँ, शायद मुझसे गलती हुई है और अब मैं लंबे समय तक थोड़ा इसमें मुझे झेलना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं वो सच्चाई से भाग नहीं रही बल्कि उस सच्चाई को एक्सेप्ट कर रही है। इसके साथ ही सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि वो चुपचाप बैठे रहती है और रोती है, और रोती है अपने बच्चों के याद में। जी आपको बताते चलो उनके दो बच्चे, एक बेटी और एक बेटा, सबसे ज़्यादा उन्होंने एक महिला कर्मचारी को भी बताया कि उनको सबसे ज़्यादा अगर किसी की याद आ रही है तो वो उनके बेटी और बेटा है, क्योंकि बच्चे से वो कभी अलग नहीं रही और माँ को इस हालत में देखे बच्चे पर कैसा बीत रहा होगा वो सोचकर वो बेहद परेशान है, इसलिए वो बेल पर छूटना चाहती है ताकि अपने बच्चों को देख सके, उनसे मिल सके, उनके साथ बैठ सके, उनके साथ थोड़ा वक्त बिता सके, सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा अपने परिवार वालों, अपने माँ बाप को भी बहुत मिस कर रही है पूजा सिंघल, लेकिन कहते ना वक्त ख़राब हो तो वक्त सही होने का नाम ही नहीं ले रहा पूजा सिंघल का, क्योंकि उन्होंने कई बार बेल के लिए इवन अपने हेल्थ को लेकर उन्होंने कहा था कि मेरा हेल्थ ख़राब है इसलिए मुझे बेल मिलना चाहिए, मुझे इलाज की ज़रूरत है, लेकिन ईडी ने जो अपना जो उन पर शिकंजा कसा है वो ढीला करने को मानो ईडी तैयार ही नहीं है। ईडी ने साफ तौर पर बार बार उन्हों सुनवाई को टालते हुए नजर आ रहे हैं और अब फिर से 12 जुलाई को क्या कुछ निकल के सामने आएगा देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। वैसे अपने तरफ से पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा कोई कसर नहीं छोड़ रहे अपनी बीवी को बेल दिलाने में। काफ़ी देखा जा रहा है कि बड़े बड़े जो वकील हैं उनके साथ उठना बैठना हो रहा है, बातचीत हो रही है, लेकिन अभी तक उनका जितना भी मेहनत है वो बेकार जाते नजर आ रहा है। 12 जुलाई को क्या कुछ निकल के सामने आएगा इसके लिए आप बने रहे जीएन भारत के साथ। पूजा सिंघल के तमाम अपडेट आपको सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ जीएन भारत में मिलेंगे। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।